शदीद गर्मी हो या बारिश, पतझड़ हो या सावन, धूप हो या खजां, हर दौर में है कलंदर की एक ही सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तारीख गवाह है कि कलंदर दौरान साहबजादा हक खतीब हुसैन अली पाशा सरकार ने हर मौसम, हर दौर, हर वक्त से बलातर होकर मखलूक खुदा की खिदमत को जारी रखा हुआ है। 22 साल से हक खतीब हुसैन अली पाशा सरकार ने अपने फराइज में कोई फ़र्क ना आने दिया। खिदमत खल के जज्बे से शरशार यह हस्ती आखिर कैसे सब कुछ कर लेता है, कैसे लोगों के दरमियान हर दौर में नजर आता है, ये क्यों नहीं थकता, कौन सी ताकत है इसके पास, कौन है इसके पीछे, ये कोई दुनियादार नहीं, ये है वलिए कामिल जो सिर्फ रज़ाए इलाही पर अपनी नज़र रखता है, जिसके लिए खिदमत खल्क नाम में खुदा है, जिसके पास अल्लाह ताला की दी हुई वो रूहानी ताकत जिसकी बदौलत 7 करोड़ से ज़ायद लोग फैज़याब हो चुके हैं, जिसके दिल में इश्क नबी है, जिसके कांधे पर हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का दस्त पाक है, जिसके पीछे हुसैन की निगाह है, ये है कलंदर। आज के जदीद दौर में इंसानियत की आखिरी उम्मीद ये आस्ताना आलिया कलसीदा या दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ, कोई अस्पताल नहीं जहां आला डॉक्टरों से टाइम लिया जाए, ये कलंदर कोई दुनियादार नहीं जिसका कोई टाइम टेबल हो, जिससे मिलने के लिए कोई सिफारिश चाहिए हो, इससे मिलने के लिए सिर्फ इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसलम चाहिए और दिल में मोहब्बत चाहिए, इसलिए यह थकता नहीं दुनियादार जब दुनिया के ऐशो आराम करते हैं, कलंदर तब भी चौंकता है, इसलिए कि हकीकी वली कामिल की ज़िंदगी का मकसद उसे थकने नहीं देता। देखना है तो आइए आस्ताना आलिया कलर सीधा में, दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ में, चाहे सर्दियों की बर्फ़ हो, चाहे गर्मियों की कड़ी धूप हो, चाहे गर्म हवाएं हो, ये कलंदर दुखी इंसानियत के दरमियान ही नज़र आता है, इसलिए यहाँ आने वालों के हर दिल में, इसलिए यहाँ आने वाले हर दिल में इश्क मुस्तफ़ा और एक ही नारा, ताजदारे ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद।